देखो बगुला कबूतर, हमारे बेटे ने मेरे बेटे का क्या हाल किया है। आए दिन ये मेरे गुरु के साथ लड़ता रहता है। बगुला कबूतर, तुम इसको उसकी जाते क्यों नहीं? तो मासी, मैं क्या करूं? मैं तो इसको मार मार कर थक चुका हूँ। आए दिन इसकी शिकायत सुन सुनकर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये अलग अलग ही बेहतर है ना, तो इनको एक जगह खेलने देंगे और ना ही आपस में लड़ेंगे। रतो, तुम परेशान ना हो, आइंदा ये घर से बाहर नहीं निकलेगा। मैं इसका इलाज करता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम इसको माफ कर दो। देखो बबलू कबूतर, मैं आपकी बात को तुमको माफ कर देती हूँ। आइंदा मुझसे शिकायत न करना कि मैंने इस काली के साथ क्या किया। अच्छा तुम चलती हूँ। काले कवि की माँ इसके बचपन में ही इंतकाल कर जाती है। इसके बाद इसके वालिद बबलू कबूतर ने ही इसकी परवरिश की थी। बबलू कबूतर ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की इसकी अच्छी तरबियत हो सके, लेकिन कालू रोज रोज शरारती और बदमाश हो रहा। कालू, मैंने तुमको कितनी बार कहा कि बेटे लड़ते नहीं, तुमको समझ क्यों नहीं आता? तुम रोज रोज इस तरह क्यों करते हो? आज तो तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। बाबा, मैं क्या करूँ, वो गोली मुझे कालू कालू क्या करता करता है। मैंने इसको बहुत समझाया मगर वो रहता ही नहीं। अब आप ही बताओ मैं क्या करता। क्या करते तुम, मेरे पास आ जाते, मैं इसकी माँ से बात करता। आज इतनी बातें तू ना करती तो मासी, अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। बबलू कबूतर काले कवे को घर के अंदर बंद कर देता है और इसका घर से बाहर निकलना बंद करता है। कुछ दिन के बाद कालू मौका देकर घर से बाहर निकल जाता है। इस कोलम के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। कालू गोली की तलाश में निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर इसको गोली एक तरफ पर नजर आ जाता है। फिर क्या था, कालू इसको देखते ही मारपीट शुरू कर देता है और इसके बाद कालू रत्तू मासी के घर को आग लगा देता है और इनके घर में तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। जब रत्तू मासी घर आती है तो अपने बच्चे और घर की हालत देख कर आग बबूला हो जाती है। किधर है तेरा वो कालू, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। किधर है, उसको बाहर निकालो, मैं आज उसको नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ रत्तो, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो और क्या कर दिया कालू ने? मैंने तो इसको घर में कैद कर दिया था। तुम इसको कैद करते तो वो इस तरह मेरे गोलू को जख्मी न करता और मेरे घर को आग लगाता। तुम इसको बाहर निकालो, मैं ऐसे पूछती हूँ कि वो क्या चाहता है। इतने में अक्रमान तोता भी वहाँ आ जाता है। वो भी इनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देता है। मैं तो कहता हूँ इसको पागल खाने में डाल देते हैं, मुझे इसकी हरकतें कुछ अच्छी नहीं लगती, मुझे तो ये पागल लगता है। बबलू कबूतर के घर के बाहर भीड़ देखकर बहुत से परिंदे पहुंच जाते हैं। हर परिंदा अपना अपना मशवरा देना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। वो इनकी बातों को और से सुनना शुरू कर देती है। इसके बाद रत्तो बात करती है। देखो टूनी, तुम्हें ही बताओ, इस कालू ने हमको बहुत तंग कर रखा है। हम आए रोज इसकी हरकतों की वजह से परेशान रहते हैं। अब तुम ही देखो, मेरी गोलू को जख्मी करके आ गया है और मेरे घर को आग लगा दी है। मुझे तो इसके दिमाग में काफी अटैक नहीं लगती, मेरे ख्याल में ये पागल है, हमको इसको पागल खाने में डाल देना चाहिए। नहीं, तुम लोग पागल कह रहे हो, कालू ये तो पागल है, ना ही इसके साथ कुछ मसला है। इसका सिर्फ ये मसला है, इसको माँ का प्यार नहीं मिला, इस वजह से चिड़चिड़ा हो गया है। आज के बाद मैं इसको माँ का प्यार दूंगी और देखना तुम ये किस तरह ठीक हो जाता है। टूनी, अगर तुम्हारे कहने से ये ठीक हो जाता है, ले जाओ उसको, कुछ दिन इसको अपने पास रखो, शायद तुम इसको एक माँ का प्यार दे सको। टूनी चिड़िया सब परिंदों को समझा बुझा कर कालू को अपने साथ ले आती है और इसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा देती है और इसका खूब ख्याल रखती है। कुछ देर बाद जब कालू का वह स्कूल में जाना शुरू कर देता है तो उसको एक अच्छा माहौल मिलने की वजह से वो समझदार और समझदार होना शुरू हो जाता है। अब वो ना तो किसी के साथ बदतमीजी करता है और ना ही किसी से झगड़ा, जिसकी वजह से जंगल का अमन वापस आ जाता है।